हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको इस पूरी जैकेट को बनाना बता दिया था कि जैकेट कैसे बनेगी, प्लस इसका गला वगैरह सब मैंने पार्ट वन में बताया हुआ है। ये है वीडियो का पार्ट टू। इसमें मैं आपको इसके आर्म होल का बॉर्डर प्लस नीचे का बॉर्डर बताऊंगी। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस पूरी जैकेट को बनाना बता दिया था कि ये जैकेट कैसे बनेगी, पूरा इसकी गले की कटिंग प्रॉपर मैंने एक एक स्टेप आपको पूरा बताया है। और अब सबसे पहले इसका गला जो है वो पूरा कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये मैंने पट्टी दोनों तरफ की छुड़वा दी थी। मैंने मना किया था कि इसे नहीं सिलना है, बाकी मैंने सिल के भी आपको दिखा दिया था कैसे इसे ऐड करना है। दोनों पार्ट को किनारी आपको दोनों की साइड सिल लेनी है। और अब इसे पहले गला इसका पूरा कर लेते हैं, फिर इसका आर्म होल बनाएंगे। तो दोनों साइड मैंने देखी ये पट्टी छूटी हुई है यहाँ पे, और किसी भी एक साइड पे देखिए, इधर भी 7 डबल क्रोशिया की पट्टी छूटी है और इधर भी छूटी है। तो किसी भी एक साइड में फर्स्ट नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें धागे को ऐड कर लेना है और इसमें डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। 7 डबल क्रोशिया है तो 7 ही बनेगी। 3 चेन से स्टार्ट किया मैंने और एक एक में सब में डबल क्रोशिया बना लेंगे। 6 और 7, ओके। फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, वर्क को पीछे की तरफ टर्न कर लेंगे। सिर्फ ये 7 डबल क्रोशिया की पट्टी ही बनानी है यहाँ पे, तो इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे लंबा। सिर्फ 7-7 डबल क्रोशिया बना के इसे उतना लंबा बना लेंगे जितना पीछे का आपका गला अभी बाकी है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे 3 चेन है, तो 3rd नंबर वाली जो चेन होती है हमारी उसमें एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, तो ऐसे ही ये 7-7 डबल क्रोशिया आपको बनानी है। और इसे हमें पीछे के साइड पे, ये पीछे वाला साइड है देखिएगा, इसमें ऐड करना है। तो इसे इतना लंबा बना लें जब तक कि ये पीछे जो हमारी दूसरे साइड वाली पट्टी है पीछे से होते हुए इस साइड की पट्टी तक ना आ जाए। अगर आपको ये गला बड़ा लग रहा है तो आप पट्टी थोड़ी सी कम बनाएं और उसे खींच के जब हम सिलेंगे तो गला बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा लंबा मैं तब तक बना लेती हूँ जब तक मेरा पीछे का गला पूरा इसमें कवर नहीं हो जाता है। यहाँ मैंने इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राउंड बना के रेडी किए हैं। और आपको राउंड वहाँ पे एंड करने हैं जहाँ पे जब आप इसे जोड़ें तो ये पीछे की तरफ आए। ओके, तो अब देखिए मैं इसमें यहाँ पे इसे ऐड करूँगी, जो मेरा इधर वाली बटन पट्टी है उसमें इसे ऐड कर देना है उल्टी तरफ से। ऐड सेम वैसे ही करना है, 7 डबल क्रोशिया हैं तो 7ों को एक एक बार करते हुए इसे ऐड कर देंगे। तो यहां सबसे पहले है डबल क्रोशिया, इसमें हमें डाल के सिंपली लूप निकाल लेना है। फिर दूसरी डबल क्रोशिया में दूसरा ऐड करेंगे, तीसरी में तीसरा ऐड करेंगे। तो जितनी भी 7 हैं तो 7 में इसे एक एक करके दोनों साइड से लेना है और आपको इसमें स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ऐसे ही करके पूरी पट्टी जितना 7 डबल क्रोशिया है पूरे में आपको ऐसे ही करना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा इसे ऐड कर लिया है। और अब आपको इस पट्टी को पीछे का जो गला गले वाला हिस्सा है इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से सुई से सिंपली इसे सिल लेना है। दोनों साइड की चेन को लेंगे, और बराबरी से करते हुए देखिए, इधर की एक चेन इधर से ली और एक चेन इधर से ली। जहां पे भी आपको ऐड करना है तो इसी तरीके से इसे ऐड करते जाएंगे। दोनों साइड से चेन्स को लेते जाएंगे और पट्टी को और आपके पीछे वाले जो बैक पार्ट का गला है
उसे इसी तरीके से ऐड करना है। और जब आप ऐड करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा ऐड हो जाएगा। पूरी पट्टी को इसी तरह से पीछे ऐड कर देंगे। तो इसे पूरा ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि आर्म होल का इसमें बॉर्डर कैसे बने। ये मैंने पूरा इसे सिल के रेडी कर लिया है। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये जो डिज़ाइन है आपका जो गला बन के रेडी होगा वो कुछ इस तरीके का बिल्कुल प्रॉपर शेप दे रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नेक बन के रेडी हुआ है। तो अब इसका बना लेते हैं आर्म होल। सिंपल और खूबसूरत सा आर्म होल मैं बनाऊंगी। एक तरफ का मैंने बना रखा है, दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि पहले इसे किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए जहाँ पे आपने सिलाई की है दोनों पल्लों को, यहाँ पे जो बिल्कुल नीचे मीन्स आर्म अंडर आर्म्स वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे धागे को ऐड करना है। यहाँ पे टोटल 10 डबल क्रोशिया बनी हुई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से, एक चेन बना ली और सेम इसी स्पेस से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक स्किप करेंगे, इसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में डाल के सिंगल क्रोशिया। तो 10 हैं टोटल नीचे वाले हिस्से में, तो टोटल 5 आपको बना के रेडी करनी है। हर बार एक एक स्किप करनी है और एक स्किप करके नेक्स्ट वन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। और अब यहाँ पे देखिएगा जब आप इस तरह से अपने वर्क को रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे टर्न है, यहाँ से आपका सीधा होके फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये वाला जो कॉर्नर है आपका, उस कॉर्नर में आपको सिंगल क्रोशिया ना बना के डबल क्रोशिया बनानी है। ओके, तो ये मेरा कॉर्नर होगा, तो इस कॉर्नर पे डालूंगी क्रोशिया को और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे क्या होगा, आपके वर्क में गुलाई आएगी, जो आपका ये आर्म होल है इसमें गुलाई आ जाएगी। और फिर अब ये जो यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया दिख रही हैं सब, देखिएगा पूरे रो बनी हुई है एक लाइन से। तो फर्स्ट वन में जब आप बनाएंगे तो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया, एक और दो। ओके, उसके बाद ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे एक बना लेंगे, नेक्स्ट वन में जब बनाएंगे तो एक बनाएंगे, फिर से एक जॉइंट पे बनाएंगे और उसके बाद वाले में दो बनाएंगे, एक और दो, फिर से एक बनाएंगे जॉइंट पे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक, उसके बाद फिर से एक बना लेंगे जॉइंट पे। तो सिंपल है, आपको एक बार एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर दो बनानी है, फिर एक बनानी है, फिर दो बनानी है और जॉइंट पे एक एक बनाते चलना है। सेम ऐसे ही प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए पूरे रो को ऐसे ही राउंड कवर करेंगे। अगेन जब इधर वाले कॉर्नर पे आएंगे, दूसरे साइड वाले पे, ये देखिए ये इस तरीके का बना हुआ है। एक कॉर्नर ये था जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाई। अब जब आप घूम के आएंगे तो एक कॉर्नर ये है, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से ये जो 10 डबल क्रोशिया है इसमें एक एक को स्किप करते हुए 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो पूरा राउंड मैं ओवर करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से पूरा राउंड ओवर हो गया है और इधर भी देखिएगा मैंने डबल क्रोशिया ही बनाई है और उसके बाद फिर एक एक छोड़ के सिंगल क्रोशिया जैसे स्टार्टिंग में किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से वर्क को ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब इसमें 5 चेन बनानी है, 3, 4, 5, एक सिंगल क्रोशिया और दो सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है, एक और दो, और थर्ड नंबर वाली में सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देना है। तो चेन लूप बना के रेडी करने हैं 5 चेन के। अगेन 5 चेन, दो सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वन में इसे ऐड कर देंगे, ऐड सिंगल क्रोशिया से ही करना है। फिर से 5 चेन बनाएंगे, दो स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है और पूरे राउंड को इसे ऐसे ही ओवर करना है, 5-5 चेन बना के उसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है। और वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया था, जिस लूप से स्टार्ट किया था उसी लूप में ऐड करेंगे इसे स्लिप स्टिच से
और जो पहला चेन लूप है उसमें हमें पहले सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, एक और दो, दो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ताकि बीच में आ सकें, और अगेन पांच चेन बनाते हुए सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फिर से पांच चेन बनानी है, नेक्स्ट वाली चेन लूप में इसे ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, अगेन पांच चेन और नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से पांच पांच चेन बनाते हुए इसे ऐड करना है और तीन से चार राउंड बना के रेडी करने हैं। अगेन पूरा राउंड ओवर करना है, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे ऐड करेंगे और सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। और तीन राउंड मैंने इसमें बना के रखे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये तीन राउंड मैंने बनाए हैं, एक दो और तीन। तो ये तीन राउंड ऐसे ही बना के चेन वाले रेडी करने लेने हैं, चेन लूप बना के रेडी तीन बार ऐसे ही राउंड इसमें फाइनल बनाने के लिए घुमाना है। आपका वर्क एंड हुआ है उसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए, एक और दो, दो चेन बनाएंगे सेम जहां सिंगल क्रोशिया बनाई है इसी स्पेस से, एक दो तीन और चार, चार डबल क्रोशिया बना ली। तो टोटल पांच हो गई, दो चेन पहले बनाई थी फिर चार डबल क्रोशिया। और अब इसे इस तरीके से रखेंगे और जहां भी सूटेबल प्लेस में ऐड हो रहा है, बीच में इस तरह से ऐड ना करें, जहां भी ऐड हो रहा है उसकी चेन में ही ऐड करें। ओके, तो मैंने चेन में डाल के इस तरह से इसे ऐड कर लिया। अगेन दो चेन बनाएंगे और इसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालेंगे और अगेन इसमें चार डबल क्रोशिया सेम स्पेस से ही बना के ऐड करेंगे। अगर आप चेन में नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी ये जो डबल क्रोशिया है इसका क्लस्टर एक जगह से नहीं बनेगा और ये फैल जाएंगी। अगेन ऐसे, और अगली वाली जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ इसे मैं ऐड करूँगी, फिर से सेम प्रोसेस को ही करेंगे। तो इस तरीके के आपको बना के क्लस्टर्स बनाने हैं और पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। और बनने के बाद आपका जो वर्क है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा पैटर्न है। तो ऐसे ही आपको पूरे इस वाले आर्म होल में और दूसरे वाले आर्म होल में सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए बना के इसे पूरा कर लेना है। इसका ऊपर का बनाने के बाद इसका ये जो बॉर्डर है इसे कुछ नया लुक दे देते हैं। नीचे से बॉर्डर को इसके एक हल्का सा नीचे बॉटम पे एक बॉर्डर बना देंगे तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे धागे को ऐड करना है। और अब यहाँ बनानी है हमें पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, और पांच चेन बना के यहाँ पे देखिएगा एक दो डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड वन वाली में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। इस तरीके का लूप बन के इसमें रेडी होगा। अगेन वन टू थ्री फोर फाइव, तो जो हमने ऊपर बॉर्डर में बनाया है सेम वैसे ही हमें इसमें भी बनाना है। दो स्किप करेंगे और थर्ड वन में ऐड कर देंगे, फिर से पाँच चेन, एक दो तीन चार और पाँच, पांच चेन बना के एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को पूरे में ऐसे ही करना है, ऐसे ही पांच पांच चेन बना के पूरे में, पूरे नीचे में जितना भी है आपका लंबा यहाँ तक बना के इसे एंड तक रेडी कर। देखिए यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब इसमें क्या करना है, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और दो सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन लूप में बना ली है। और अब इसमें एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बनाएंगे, जो नेक्स्ट वाला चेन लूप है इसमें इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बना के अगेन नेक्स्ट वाले में इसे ऐड करेंगे, दो तीन चार पाँच और नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करके इस रो को भी पूरा ओवर करेंगे पूरा एंड तक इसे ऐसे ही। अगेन मैं वर्क के एंड में हूँ और ये लास्ट लूप है। तो लास्ट लूप में ऐड करने के बाद
यहाँ पे एक, जैसे स्टार्टिंग में हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाई थी वैसे ही इसमें भी बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमने ऐड करके बना ली और एक एक्स्ट्रा बना ली। अब यहीं से फिर से पांच चेन बनाएंगे, 3 4 5, पांच चेन से टर्न करेंगे, ओके। और ये वाला जो लूप बना हुआ है इसमें ऐड कर देंगे। तो हर अल्टरनेटिव जो आपकी रहेगी, मींस जो सेकंड नंबर राउंड में जैसे आपने बनाया है दो सिंगल क्रोशिया स्टार्टिंग में और एंड में, वैसे ही आपको फोर्थ राउंड में भी करना होगा, तभी ये आपका इधर वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सीधा जाएगा। और सेम ही पैटर्न को रिपीट करके आपको इसमें 5 से 6 राउंड या फिर जितना आप लंबाई बढ़ाना चाहते हैं या जितना लंबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें इसी तरीके के राउंड्स बना के रेडी कर लेने हैं। तो टोटल 5 से 6 राउंड मैं बना के रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद सेम उसी पैटर्न को बनाना है जो हमने यहाँ पे इसमें बनाया हुआ है। जैसे हमने इसके इस बॉर्डर में बनाया है सेम इसमें भी नीचे ऐसे ही बना देना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कैसे इसमें बनाना है। तो ऐसे ही 5 से 6 राउंड बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए 5 राउंड बना के रेडी किए हैं। टोटल 5 है इसमें, 1 2 3 4 5। और अब इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, दो चेन सेम इसी सिंगल क्रोशिया से डालेंगे, डबल क्रोशिया सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, 2 3 4, टोटल 4 हो गई हमारे पास डबल क्रोशिया और दो चेन हमने बनाई, 5 हो गई। इसे इस तरह से रखेंगे और जहाँ भी सूटेबल प्लेस पे ये ऐड हो रहा होगा इसे ऐड कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट वाले जो इसमें चेन में इसे ऐड करूँगी। ओके, अगेन इसी स्पेस से बनाएंगे, फिर से 1 और 2, दो चेन बनाएंगे सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार, 2 3 और 4, अगेन जहाँ पे भी ये आपको सूटेबल लग रहा हो उस जगह पे इसे ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह का पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा, पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करना है। दो चेन अगेन इसी जगह से डालेंगे, जहाँ पे ऐड करेंगे वहीं से डालेंगे। चेन पे ऐड किया है तो चेन से ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगर सिंगल क्रोशिया पे ऐड किया है तो सिंगल क्रोशिया से ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से इसे सूटेबल प्लेस पे जहाँ भी ऐड हो रहा है वहाँ पे इसे ऐड कर देना है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए नीचे का बॉर्डर इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। बटन पट्टी में आपको बटन लगा लेने हैं और उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको एक बार शो कर दूँगी कि ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा बॉर्डर बनके रेडी है और पूरी जैकेट भी बनके रेडी है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये जैकेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे।